हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसवी फिजिक्स। अब हम लोग जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को अपने यूट्यूब चैनल पे लेके आ रहे हैं। ये टॉपिक आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एसएससी के किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम दे रहे हों, सीजीएल का दे रहे हों, जीडी दे रहे हों, या फिर एमटीएस का एग्ज़ाम दे रहे हों, उन सारे एग्ज़ामों के लिए आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जीके जीएस। और ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस से जो क्वेश्चन है आपके हर एक छोटे बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि आपके किसी भी प्रकार के एग्जाम, पुलिस भर्ती हो या फिर आर्मी भर्ती हो या फिर किसी भी प्रकार का एग्जाम जहाँ पे एसएसटी का या फिर जीके जीएस की बातें आती है, उसके लिए ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ इस लेक्चर में जुड़े रहिएगा। आज हम कुछ ऐतिहासिक स्थल लेके आए हुए हैं जो कि हमारे भारत में स्थित है, और कहाँ कहाँ स्थित है उसको हम देखेंगे, और क्या क्या नाम है ऐतिहासिक स्थलों का जो महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा फेमस है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम अलग अलग टॉपिक पर वीडियो लेते आएंगे। आपका वीडियो बहुत ही लंबा नहीं होगा, लगभग 5 से 6 मिनट का होगा, और आप लोग इसको देखकर अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे ताकि आप लोग किसी भी तरह के एग्जाम्स जब देने जाएं तो आपके लिए ये फायदेमंद हो सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपका ये न्यू लेक्चर एसएसटी जीके जीएस के साथ। चलिए देखिए, अजंता की गुफाएं, यानी हमारा पहला टॉपिक है ऐतिहासिक स्थल। यानी ये जो स्थल है, हम यहाँ पे कुल 25 स्थल को लेके आए हैं, 25 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल लेके आए हुए हैं। जो कहाँ कहाँ स्थित है हम वो बता देने वाले हैं। अगर आप लोगों का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, इनको देख करके जाइएगा तो कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन इससे आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए हम इसमें देखते हैं, फिर इसके बाद धीरे धीरे और भी नए नए टॉपिक्स आते रहेंगे, ऐड होते रहेगा इस लेक्चर में, और आप लोग देखते रहिएगा। चलिए तो पहला है अजंता की गुफाएं। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो हमारे बिहार के औरंगाबाद जिला में है। तो हम कहेंगे ये औरंगाबाद में है, औरंगाबाद। और अमरनाथ की गुफाएं, आप अमरनाथ के बारे में जानते होंगे, अमरनाथ की कहानी भगवान शिव ने पार्वती को सुनाई थी। अमरनाथ की कहानी, अमरनाथ कबूतर के बारे में भी जानते हैं, और भगवान शिव हिमालय के कैलाश में विराजमान है, और हिमालय हमारा श्रीनगर की उस पार है। तो हम कह सकते हैं कि ये कश्मीर में है। ये कहाँ है? कश्मीर में है। फिर उसके बाद अजमेर की किला। अजमेर जो है आपका जयपुर राजस्थान की तरफ एक अजमेर नगर है, तो उस अजमेर में एक किला बनाया गया है। ये किला बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध होता है राजस्थान यानी मरुस्थल के इलाके में, इसलिए ये पाया जाता है। ये जो स्थित है ये जयपुर में स्थित है। थोड़ी थोड़ी लॉजिक पीछे का समझते जाएंगे ताकि आप याद आसानी से कर सकें। देखिए, बीवी का मकबरा, औरंगजेब ने बीवी का मकबरा बनाया था औरंगाबाद में, यानी औरंगाबाद जो जिला है बिहार में स्थित है, और ये नाम औरंगजेब के नाम पे पड़ा है, इसलिए बीवी का मकबरा औरंगाबाद में है। फिर उसके बाद आनंद भवन। आनंद भवन जो है हमारे जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू जो है आनंद भवन में अपना बहुत सारा जीवन गुजारे थे, और जवाहरलाल नेहरू का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ है, तो ये भी इलाहाबाद में स्थित है, इलाहाबाद। दूसरा ब्लैक पगोडा। ब्लैक पगोडा जो है कुछ जानवर के नाम से ये प्रचलित है, और ये वहाँ पर एक मंदिर के नाम से भी, यहाँ पे ब्लैक पगोडा का एक मंदिर भी बना हुआ है। तो ये जो है हमारे कोणार्क में बना हुआ है, जहाँ पर एक और भी विख्यात मंदिर है, सूर्य मंदिर। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर जो है कोणार्क है। फिर उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर जो है ये आपके तंजौर में, कहाँ पे है? तंजौर में है। कुछ पीछे का लॉजिक भी समझ के चले जाइएगा तो आपका याद हो जाएगा, ये जो है तंजौर में है, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है। फिर जो है वृंदावन बाग। तो देखिए, अगर हम बात करें वृंदावन बाग की, तो वृंदावन ऐसे मध्य प्रदेश मथुरा जिले में पड़ता है, लेकिन वो बाग यहाँ पे नहीं है, उसी के नाम पर वृंदावन बाग पड़ा है, जो कि मैसूर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मैसूर में स्थित है।
ये याद रखिएगा, ना कि इसमें आप कोई और भी टिक कर लीजिएगा। चलिए इमामबाड़ा जो है, जब हमारे यहाँ पे मुगल साम्राज्य था तो इमामबाड़ा जो इस्लाम धर्म है उन्होंने इमामबाड़ा को बनाया था हमारे लखनऊ में ही, उत्तर प्रदेश में। तो इमामबाड़ा भी हमारे लखनऊ में है। फिर इसके बाद चार मीनार का भी निर्माण हैदराबाद में हुआ है। आप लोग गाना भी सुने होंगे, चार मीनार में लेके गए हुए हैं और वहाँ पे वो वाला एक गाना है कि दिल्ली का सोना, इस तरह का जो गाना बना हुआ है चार मीनार के ही पास बना हुआ है। तो आप वो गाना से इसे याद रख सकते हैं कि हैदराबाद में आकर बिरयानी खाना, ये जो गाना आप सुने हुए हैं ये चार मीनार के पास ही बना हुआ है। तो चलिए आगे देखिए, चिल्का झील जो है, यहाँ पर हमारे INS चिल्का भी स्थित है। यानी हम कह सकते हैं कि जो ये यहाँ पर जो है नेवी का ट्रेनिंग दिया जाता है चिल्का झील में, चिल्का INS जाता है, नेवी का ट्रेनिंग सेंटर पड़ता है वहाँ पर। तो ये उड़ीसा में स्थित है जो कि पश्चिम बंगाल के बगल में और झारखंड के नीचे स्थित है। तो हम कह सकते हैं ये उड़ीसा में स्थित है। दूसरा, दिलवाड़ा का जो मंदिर है ये हमारे माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा का मंदिर, माउंट आबू याद रख लीजिए, माउंट आबू में दिलवाड़ा का मंदिर स्थित है। यानी दिलवाड़ा जो है माउंट आबू में स्थित है। फिर उसके बाद देखिए रायगढ़ का जो किला है और चित्तौड़गढ़, ये सारा जो नाम है ये महाराणा प्रताप से रिलेटेड है और महाराणा प्रताप एक मराठी थे और मराठी जो है रिलेटेड है महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र से। तो ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है। फिर उसके बाद एलोरा की जो गुफा है वो अजंता की गुफा के ही पास है। तो हम कह सकते हैं ये भी औरंगाबाद में ही स्थित है। स्वर्ण मंदिर जो है हमारे भारत की जो चौथी है वो अरब सागर में एक भाग है जहाँ पे स्वर्ण मंदिर बनाया गया है। ये अमृतसर में है जो पंजाब में पड़ता है। यानी हम कह सकते हैं स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में है। फिर उसके बाद गोल गुंबज, यहाँ याद रखिएगा दो चीज है, एक गोल घर है और एक गोल गुंबज है। यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, अगर गोल गुंबज होगा तो हम कहेंगे बीजापुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बीजापुर में स्थित है। और गोल घर है तो अपना पटना में स्थित है। तो ये याद रखिएगा, ये बीजापुर में स्थित है और ये जो है पटना में स्थित है। फिर आप देखिएगा बहुत सारा महल है यहाँ पर, अनेकों महल है, उन सारे महलों को अब हम देखेंगे धीरे धीरे। तो पहला है हवा महल। कौन सा महल? हवा महल। तो हवा महल जो है आपके जयपुर में स्थित है। यहाँ पर हवा महल इसलिए कहा गया है कि बहुत ज्यादा ये हवादार इलाका है और यहाँ पे बहुत ही अधिक बड़े बड़े खिड़कियां छोड़ी गई है वो महल में, तो इसलिए ये जयपुर में स्थित है और हवा महल के नाम से जाना जाता है। चलिए जल महल जो है ये जल में बना हुआ एक महल है, जल के बीच में बना हुआ महल है और ये भी उदयपुर में है, जयपुर के ही बगल वाले इलाके में उदयपुर में स्थित है। फिर उसके बाद ताजमहल, इसको तो आप जानते ही हैं, मध्य प्रदेश के आगरा जिला में ताजमहल है, आगरा। फिर है पंचमहल जो है इसको याद रख लीजिए थोड़ा सा, पंचमहल हुआ पांच महल से बना हुआ है। तो ये याद रख लीजिए कि पांच सिकरी पहने हुए हैं, ठीक है ना, यानी फतेहपुर सिकरी, इसका नाम है फतेहपुर सिकरी। फिर इसके बाद लक्ष्मी विलास महल जो है, यहाँ पर लक्ष्मी जी का जन्म हुआ माना जाता है और ये बड़ोदरा में स्थित है। यहाँ पर लक्ष्मी जी का जन्म माना जाता है इसलिए लक्ष्मी विलास महल के नाम से जानता है। तो बड़ोदरा, ठीक है। जगन्नाथ के नाम से जाने जाते हैं हमारे भगवान विष्णु। तो जगन्नाथ मंदिर जो है पुरी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पुरी में, तमिलनाडु के पुरी में स्थित है जगन्नाथ मंदिर, पुरी। ओके, फिर उसके बाद लालगढ़ का जो महल है, लालगढ़ का महल आप जान सकते हैं, लाल
में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में स्थित है लालगढ़ का महल, बीकानेर, ठीक है ना। बीकानेरी भुजिया खाई हुई है आप, तो बीकानेर तो गाना भी बहुत सारा है, तो वहां पे लालगढ़ का महल है, ठीक। अब है जय स्तंभ। जय स्तंभ जो है हमारे राजा महाराणा प्रताप से रिलेटेड है और ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, वहां पे वो विजय प्राप्त किए थे इसलिए उनके ही नाम पर जय स्तंभ पड़ा था। वहां पर एक स्तंभ बनाया गया था जिसका नाम जय स्तंभ रखा गया। तो ये है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ओके। तो ये 2500 ऐतिहासिक स्थल है जो कहाँ पर स्थित है भारत में, ये हमने बता दिया इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक उन लोगों के पास पहुँच सके जो भी नज़दीक वाले एग्जाम्स को या आने वाले एग्जाम्स को देने वाले हैं और ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सके। तो जय हिंद, हम आपको फिर से अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तो बने रहिएगा हमारे इस सीरीज में, जीके जीएस की सीरीज में। जय हिंद।